आज मैं मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमज़ोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कापी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसे ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए अमेंडमेंट के जरिए इसे काफ़ी हद तक जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात यानी कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की वे अन्य पार्टियों की भी इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस खासकर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की वे अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की खासकर गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ ये भारतीय संविधान है तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनसा वाला समतामूलक धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ एससी एसटी व ओबीसी वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं इसलिए अब संविधान को बचाने के नाम पर वे इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष द्वारा जो जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी राजनीति की जा रही है तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये बात भी सर्वविदित है कि इस संदर्भ में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहाँ अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था लेकिन श्री बीपी सिंह की बनी केंद्रीय सरकार में
इसके लागू होने पर भी तब फिर इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, अर्थात इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश में इसका पर्दे के पीछे से काफ़ी डटकर विरोध भी कराया था और इसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन व तोड़फोड़ आदि भी खूब कराई गई थी। ये सब किसी से छिपा नहीं है और इन्हीं दोनों पार्टियों ने मिलकर आगे केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में फिर संसद में समाजवादी पार्टी को आगे करके वे इनकी मदद से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बीएसपी के अति संघर्ष के बाद लाए गए संबंधित संशोधन बिल को भी पास नहीं होने दिया था, जो अभी भी लटका पड़ा है। यूपी में सपा सरकार ने तो एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सत्ता व विपक्ष ये दोनों मिलकर संविधान को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और ये दोनों अर्थात सत्ता व विपक्ष के लोग अंदर अंदर मिलकर, ये मिले हुए हैं अंदर अंदर मिलकर संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों से खासकर एससी एसटी व ओबीसी वर्गों को मिले आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। और तभी ये लोग पूरे देश में, यही मेन कारण है, और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। विपक्ष कहता रहता है लेकिन जितना उसको गंभीर होना चाहिए उतना है नहीं, ये मिले हुए अंदर अंदर। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना आदि नहीं कराना चाहते हैं और इस मामले में भी ये लोग अंदर अंदर मिलकर केवल अपने वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार से सत्ता व विपक्ष अंदर अंदर मिलकर आए दिन बड़ी संख्या में कर रहे संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट्स के जरिए बाबा साहब के बनाए गए समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाले संविधान को बदलकर, जो इसे जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने से रोकने के लिए अब पूरे देश में बीएसपी के बैनर तले खासकर एससी एसटी ओबीसी एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इन्हें अपने हितों में भाईचारे के आधार पर जोड़ने की इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी दिनांक 23 जून के आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दी गई है, जो लखनऊ में आयोजित की गई थी अभी हाल ही, तो उस बैठक में दी गई है, जिस पर पार्टी के जिम्मेवार लोगों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करने की भी ज़रूरत है। अर्थात अब इन वर्गों के लोग इस ओर जरूर विशेष ध्यान दें, यही बीएसपी के इनसे पुरजोर अपील भी है, वरना फिर इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकार अधिकांश खत्म हो जाएंगे, जिससे अब सत्ता व विपक्ष इन दोनों से बचाना बहुत ज़रूरी है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।